तो ओम लॉ के अंदर हमने क्या किया, वी इज इक्वल टू आई आर, आर का फॉर्मूला रो एल बाई ए, आपने नोट कर लिया फॉर्मूला रजिस्टर में, वेयर रो इज रजिस्टिविटी ऑफ अ कंडक्टर, रजिस्टिविटी मटेरियल पे डिपेंड करती है किसी भी कंडक्टर के, रो का फॉर्मूला ये आपने नोट किया फॉर्मूला बुकलेट में, वेयर एम इज मास ऑफ इलेक्ट्रॉन और टाउ का मतलब एवरेज रिलैक्सेशन टाइम है, प्रूफ हमने कर लिया, और आर का फॉर्मूला भी एवरेज रिलैक्सेशन टाइम की फॉर्म में हमने कर लिया। नेक्स्ट है फेलियर ऑफ ओम लॉ हमने कर लिया, कंडक्टेंस जो होती है वो क्या होती है, जी इज वन अपॉन रेजिस्टेंस, फॉर्मूला याद रखेंगे, कंडक्टिविटी सिग्मा वन अपॉन रो, रो का मतलब रेजिस्टिविटी, का रेसिप्रोकल क्या है, कंडक्टिविटी, ये याद रखेंगे। क्लियर है यहाँ तक, कोई डाउट इसमें?